साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अनुष्का शर्मा करीब 3 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं। अनुष्का की नई फिल्म चकदा एक्सप्रेस का टीजर रिलीज हो गया और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा और ये फिल्म क्रिकेटर और पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की बायोपिक फिल्म है। अब फिल्म बनाई तो झूलन की जिंदगी पर है लेकिन यहाँ झूलन गोस्वामी की ही सबसे बड़ी बेइज्जती कर दी गई है और वो जो वजह इसकी निकल कर सामने आई है वो हैरान करने वाली है क्योंकि इसमें विराट कोहली तक का नाम सामने आ रहा है। तो क्या है पूरा विवाद, क्या है बेइज्जती का मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अनुष्का और उनके इस कदम को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो झूलन गोस्वामी भारत की सबसे सफल महिला क्रिकेटर्स में से एक है और झूलन की जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया अनुष्का शर्मा ने। अनुष्का शर्मा अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं और उसी क्लीन स्लेट फिल्म के बैनर तले झूलन की बायोपिक फिल्म बनाई गई और अब इस फिल्म का टीजर भी नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है। अब जैसे ही नेटफ्लिक्स ने इसका टीजर रिलीज किया तो उसे खासा ट्रोल कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलती की गई थी। इस ट्वीट में अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर समेत प्रोडक्शन हाउस न जाने किन किन को टैग कर दिया गया, मगर जिस झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर फिल्म बनाई गई उसी झूलन गोस्वामी को टैग ही नहीं किया गया, बस झूलन के नाम का हैशटैग इस्तेमाल कर दिया गया। बस फिर क्या था, बवाल मच गया। नेटफ्लिक्स के साथ अनुष्का शर्मा को भी ट्रोल किया जाने लगा कि असली हीरो की बॉलीवुड में क्या हालत होती है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है वो देखा जा सकता है, यही कहा जाने लगा और सभी को लगा कि शायद झूलन गोस्वामी को भूल गए होंगे, टैग करना याद नहीं रहा होगा। मगर असली कहानी ये नहीं है, जो वजह बताई जा रही है, जो वजह सामने आ रही है वो बेहद हैरानी भरी है क्योंकि वजह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यहाँ से जुदा है। असल में इस पूरे विवाद के पीछे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को बताया जा रहा है। जी हाँ, मुंबई में अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नेटफ्लिक्स और क्लीन स्लेट्स फिल्म को साफ निर्देश दिए गए थे कि फिल्म के टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज में झूलन गोस्वामी को टैग नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये साफ साफ निर्देश थे, ये भूल से नहीं हुआ है क्योंकि अनुष्का शर्मा ऐसा नहीं चाहती थी और सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे की कहानी बेहद हैरानी भरी है। असल में पिछले साल जब अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के निर्माण का ऐलान किया तो इसके बारे में उनके पति और भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को पता नहीं रहा होगा क्योंकि वैसे भी विराट अनुष्का के काम में दखल नहीं देते हैं, ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं और फिल्म की शूटिंग भी काफी हो चुकी थी। मगर सूत्रों के मुताबिक जब बाद में विराट को पता चला तो विराट ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई। जी हाँ, झूलन गोस्वामी की फिल्म बायोपिक फिल्म पर विराट कोहली ने आपत्ति जताई। अनुष्का शर्मा के साथ विराट ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि झूलन पर वो फिल्म बनाए, हाँ कोई और बनाए इससे उन्हें आपत्ति नहीं है लेकिन उनकी पत्नी झूलन गोस्वामी पर फिल्म बनाए इस पर उन्हें आपत्ति है। असल में झूलन गोस्वामी ने कुछ साल पहले विराट कोहली पर बेहद बड़ी टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी और पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट में विराट कोहली जैसों की वजह से अंतर बताया था जिस पर खासा विवाद भी हुआ था और विराट कोहली ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। अब खबर है कि यहाँ विराट को जैसे ही पता चला कि अनुष्का उन्हीं झूलन पर फिल्म बना रही है तो विराट ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि फिल्म पर काफी सारा काम हो चुका था, खर्च भी काफी सारा हो चुका था, लिहाजा फिल्म को रोका नहीं जा सकता था। अनुष्का शर्मा ने फिल्म रोकने से इनकार कर दिया मगर फिर भी विराट कोहली की बात को मानते हुए अलग तरीके से झूलन गोस्वामी को पूरी फिल्म से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जिन झूलन गोस्वामी पर फिल्म बनाई गई है उन्हें प्रमोशन से, फिल्म के पोस्टर से, फिल्म के किसी भी इवेंट से, कार्यक्रम से दूर कर दिया गया और यहां तक हिदायत दी गई कि किसी भी ट्वीट में झूलन गोस्वामी को टैग तक नहीं किया जाएगा, सिर्फ झूलन के नाम का हैशटैग इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा मामला सब कुछ पहले से तय था, ये भूल से गलती से नहीं हुआ है और पूरा का पूरा मामला विराट कोहली तक पहुंच गया और विराट की वजह से झूलन गोस्वामी को टैग नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अब अगर आगे भी झूलन को टैग नहीं किया जाता है, किसी इवेंट में नहीं बुलाया जाता है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन हाँ, झूलन के नाम पर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर पैसा जरूर कमा लिया जाएगा। अब ऐसे बॉलीवुड का दस्तूर भी है, यहाँ राइटर को पैसे नहीं मिलते, डायलॉग लिखने वाले को पैसे नहीं मिलते, जो कहानी जिसकी होती है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता और हाँ, फिल्म बनाने वाले और एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस जरूर मुनाफा कमा लेते हैं और यही अनुष्का शर्मा, नेटफ्लिक्स और उनकी कंपनी क्लीन स्लेट्स ने किया है जो बिल्कुल हैरानी भरा है, दुखदाई है और बिल्कुल एक तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है।
तो आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? क्या विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और नेटफ्लिक्स को इस तरह की गंदी हरकत करनी चाहिए थी या फिर ये गलत है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इंदौर में फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग हो रही थी और इसके एक सीक्वेंस में सारा अली खान को लेकर विक्की कौशल बाइक की सवारी करते हैं। अब जिस बाइक पर विक्की सवार थे, जिसे शूट किया जा रहा था, उस स्प्लेंडर बाइक के नंबर को लेकर विवाद हो गया था। कहा गया कि बाइक का नंबर फर्जी है और गलत तरीके से इसे बाइक पर प्लांट किया गया और बताया गया कि ये नंबर एक एक्टिवा के स्कूटर का है और उस स्कूटर के मालिक भी सामने आए और अपनी आपत्ति जता दी, केस फाइल कर दिया, जेल भेजने की मांग तक कर दी। आनन फानन में इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई और जांच शुरू हो गई। अब जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। हालांकि जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जांच के बाद सलमान खान की भी एंट्री इसमें कराई जा रही है। तो जांच में क्या निकला वो आपको पहले बताते हैं और उसके बाद बताएंगे पूरा सच क्या है। तो इंदौर पुलिस का दावा है कि बाइक और स्कूटर का नंबर एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। जी हाँ, यानी कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं थी बल्कि नजर का धोखा हो गया था, यही बड़ी खबर है। इंदौर पुलिस के मुताबिक स्कूटर का नंबर MP09UL4872 था, लेकिन बाइक का नंबर ये नहीं था बल्कि बाइक का नंबर था MP09UL1872। जी हाँ, 1 और 4 के फेर में विक्की कौशल और सारा अली खान फंस गए थे। इंदौर पुलिस का दावा है कि एक के नीचे एक नट बोल्ट लगा हुआ था जिससे एक नंबर की डिजिट 4 की तरह दिख रही थी और सोशल मीडिया पर जब पिक वायरल हुई, जब फोटो वायरल हुई, तो उसके असली मालिक ने भी सवाल उठा दिए क्योंकि नंबर 1872 था और वो बिल्कुल हूबहू 4872 की तरह लग रहा था, ऐसा इंदौर पुलिस का कहना है। इंदौर पुलिस का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, हमने शूटिंग स्थल पर जाकर पूरा नंबर चेक किया, बाइक के आगे और पीछे दोनों के नंबर एक जैसे हैं, यानी कि 1872 नंबर बाइक का था और 4872 नंबर स्कूटर का, और इसीलिए यहाँ पर कोई केस बनता नहीं है, मामला खारिज हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा है कि क्या रातों रात फिर से नंबर बदल दिया गया, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता था कि पहले वाला नंबर 4872 ही था। और सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि नंबर को बाद में बदला गया और उसे 1872 बनाया गया जिससे कि सारा अली खान, विक्की कौशल को जेल जाने से बचाया जा सके, केस कैसे बचाया जा सके, और इसमें मुंबई के किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का दखल भी बताया जा रहा है। इंदौर से सलमान खान का पुराना कनेक्शन है और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि सलमान खान इस मामले में जरूर इन्वॉल्व हुए होंगे और इसी वजह से अचानक सब कुछ बदल दिया गया और अचानक सब कुछ ठीक कर दिया गया ताकि विक्की कौशल, सारा अली खान को बचाया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके इस केस से। अब जो भी हो, लेकिन पूरा मामला खुलासा होना बाकी है, पूरा सच सामने आना बाकी है। लेकिन अगर ऐसे में ये नई गड़बड़ी का मामला साबित होता है, नंबर प्लेट को फिर से बदलने का मामला साबित होता है, तो सब कुछ सारा और विक्की को बचाने के लिए होगा और विक्की कौशल, सारा अली खान के साथ ही फिल्म के क्रू ने अगर गलत किया है तो फिर तो डबल केस होगा, डबल मुश्किल के साथ इनका और ज्यादा फंसना तय है, बड़े केस में जाना तय है। तो आपका क्या मानना है? क्या इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी सजा नहीं होना गलत है या फिर वाकई में गलती से नंबर की गफलत हो गई? सारा और विक्की कौशल बिल्कुल ठीक थे या नहीं थे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।